की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन में मी कंट्रोल सेंटर कैसे इंस्टॉल करें। गाइस अगर आप भी अपने फोन में मी कंट्रोल सेंटर इंस्टॉल करना चाहते हो तो मैं यहां से बिल्कुल आपको सेटिंग करके बताएंगे अपने फोन में मी कंट्रोल सेंटर गाइस कैसे इंस्टॉल करेंगे। देखिए अगर आपके पास कोई भी फोन है ओप्पो वीवो रियलमी जो भी फोन अगर आपके पास कोई भी फोन एंड्रॉइड का है तो अगर आप उस फोन में मी कंट्रोल सेंटर गाइस इंस्टॉल करना चाहते हो मैं ऐसा गाइस बिल्कुल आपको बताएंगे और यहाँ पे इंस्टॉल करके भी आपको दिखाएंगे आप भी अपने फोन में कैसे मी कंट्रोल सेंटर गाइस इंस्टॉल करेंगे। आपके फोन में देखिए पहले जो कंट्रोल सेंटर रहता है गाइस वो नॉर्मली रहता है, तो यहाँ पे देखिए हमारे फोन में नॉर्मल कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पे हम कोई भी कंट्रोल सेंटर अभी इंस्टॉल नहीं किए हैं। तो हम यहाँ पे अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे मी कंट्रोल सेंटर, उसके बाद अगर आप भी करना चाहेंगे साथ में तो गाइस आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। गाइस तो वीडियो को स्किप ना करना एंड गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस हम चलते हैं कंटेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो स्टार्ट करने पहले मेरा परिचय जान लीजिए, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मोबाइल हेल्प। तो आपको देखिए पहला स्टेप करना क्या, प्ले स्टोर गाइस ओपन कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर गाइस ओपन करेंगे आपको यहां पे सर्च बार में जाना, आपको सर्च क्या करना है मी कंट्रोल सेंटर, ठीक है। आप मी कंट्रोल सेंटर गाइस सर्च करेंगे आपको देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन की रेटिंग काफी अच्छे, स्कोर 10 मिलियन प्लस लोग यूज करते हैं, यानी गाइस 1 करोड़ से ज्यादा लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज करते हैं। तो यहाँ पे ना कोई आपको कोई भी पैसा पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा हम यहाँ पे आपको सेटिंग बताएंगे। यहाँ एप्लीकेशन को हम देखिए ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को गाइस यहाँ पे ओपन कर दिए और यहाँ पे कुछ अभी आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा डुअल सिम सेटिंग एक्सेसिबिलिटी नोटिफिकेशन का, तो आपको फर्स्ट स्टेप करना है यहाँ पे डुअल सिम पे ओके करके यहाँ पे अलाउ कर देना है और यहाँ से देखिए आपको ऐड आएगा, ऐड को थोड़ा सा बैक करना आपको मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, यहाँ गाइस क्लिक करना आपको और यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखिए मी कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे गाइस क्लिक करके आपको फर्स्ट वाले को यहाँ पे ओके कर देना है, ओके करेंगे यहाँ से बैक आना है, फिर से बैक आएंगे तो आपके फोन में जो तीसरा परमिशन हो ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन होगा, तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन का ऑप्शन, यहाँ गाइस क्लिक करके आपको और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को परमिशन देके अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए परमिशन देके हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं, अलाउ कर दिए और कुछ आपको यहाँ फिर से ऐड देखने को मिलेगा, ऐड को यहाँ से गाइस आपको 2-3 स्टेप में ऐसे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ देखिए नीचे का ऑप्शन साइड में दे रहा है, तो हम देखिए यहाँ पे 2-3 बार ऐसे क्लिक करेंगे, ओके का ऑप्शन आ रहा है तो इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस हमारे फोन में क्या है, हमारा मी कंट्रोल सेंटर गाइस बिल्कुल चेंज हो गया, यानी कि इंस्टॉल हो गया है, जो कि हमारे फोन में जो कि पहले से जो ओल्ड कंट्रोल सेंटर था हम यहाँ पे मी कंट्रोल सेंटर अपने फोन में इंस्टॉल किए हैं, तो गाइस हमारे फोन में इंस्टॉल हो गया है। और भी यहाँ पे मैं आपको सेटिंग बताऊँ तो यहाँ पे और भी आपको सेटिंग मिलेगा, लेयर आउट मिलेगा, कलर्स मिलेगा, डाटा यूसेज मिलेगा, आपको एडिट मिलेगा और भी यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा जो भी यहाँ पे आपको करना है। कलर्स पे अगर आप गाइस क्लिक करते हैं तो अगर आपको यहाँ पे कलर भी करना, बैकग्राउंड का ऑप्शन है यहाँ पे गाइस क्लिक करके आपको जो भी यहाँ पे लेना है लेके सिलेक्ट करके कर सकते हो। आपको यहाँ पे मिलेगा बैकग्राउंड कलर्स, यहाँ पे गाइस क्लिक करना आपको जो भी कलर्स यहाँ पे गाइस ऐड करना, ऐड करके आपको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका बैकग्राउंड जो कलर है गाइस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और आपको मिलेगा टाइटल कलर, यहाँ पे गाइस क्लिक करके आप जो भी कलर यहाँ पे गाइस ऐड करना चाहोगे यहाँ पे करके अप्लाई करके और यहाँ पे टाइटल का कलर गाइस आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी सेटिंग बिल्कुल है और यहाँ पे और भी सेटिंग आपको रीसेट ऑल कलर्स टू डिफॉल्ट और यहाँ पे आपको जो भी सेटिंग करना है यहाँ पे बिल्कुल आप कर सकते हैं। और यहां पे देखिए हम फर्स्ट वाले पे गाइस क्लिक करेंगे और यहां पे आपको मिलेगा कलर्स का ऑप्शन, यहां गाइस क्लिक करना और यहां पे आपको जो भी एडजस्ट करना गाइस यहां पे बिल्कुल गाइस कर सकते हैं, ठीक है। लाइव ब्लर है और इमेज ब्लर है, तो जो भी आपको यहां पे ब्लर करना ब्लर भी कर सकते हो और गाइस यहां पे लाइव इमेज है तो इमेज भी आप यहां से ब्लर करना चाहो ब्लर कर सकते हो, लाइव इमेज है तो जो भी ऐड करना आप यहां पे बिल्कुल ऐड कर सकते हो। आपको मिलेगा बैक ब्राइटनेस साइलेंट कलर्स का ऑप्शन, यहाँ भी गाइस आप क्लिक करके आप जो भी यहाँ पे गाइस ऐड करना चाहोगे यहाँ भी गाइस कलर इसका ऐड कर सकते हैं, ऐड करके अप्लाई कर दीजिएगा और अप्लाई करने के बाद और कोई भी सेटिंग आपको नहीं करना है। हम देखिए ऐसे गाइस बैक आ गए और ये नहीं कि अगर आपके फोन में एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके फोन से कंट्रोल सेंटर हट जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई सेटिंग नहीं है। एक बार अगर गाइस अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे आप इसको तो आपके फोन में हमेशा के लिए यहाँ पे गाइस ऐड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये है मी कंट्रोल सेंटर, ठीक है। तो देखने में काफी अमेजिंग काफी कुल लगा होगा आपको भी, तो अगर आप ऐसे अपने फोन में इंस्टॉल करना चाहते हो गाइस बिल्कुल कर सकते हो। आई होप तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।